हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी ने आज हाटपिपलिया में प्रेस वार्ता कर शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। विधायक मनोज चौधरी ने बताया कि कोरोना की वजह से जिस व्यक्ति का निधन हो गया है उस व्यक्ति को शासन की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। कोरोना की वजह से बच्चे के माता पिता का निधन हो गया, उस बच्चे को 5,000 रुपये की सहायता के साथ ही उस बच्चे की शिक्षा का खर्च सरकार वहन करेगी। उसके साथ ही 5 महीने का राशन पात्र व्यक्तियों को दिया गया है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड जिसके बने हैं उन व्यक्तियों का प्रदेश में किसी भी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होगा। यह बात विधायक मनोज चौधरी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कही। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा जो जोड़ी जा रही है वो है कि कोरोना काल में मृतक परिवारों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि हम इस बात को समझते हैं कि अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है कमाने वाले की, उसकी क्षतिपूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में, ऐसी दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार 1-1 उन दुखी परिवारों के साथ खड़ी हुई है। 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और महत्वपूर्ण योजना जो ऐतिहासिक है, पूरे विश्व में आज तक कोई ऐसी योजना नहीं निकाली होगी कि अगर कोरोना काल में माँ बाप की किसी मृत्यु हो जाती है और उनके बच्चे अगर अनाथ हो जाते हैं तो उनकी संपूर्ण पढ़ाई लिखाई का खर्च, उनके राशन का खर्च और साथ में प्रति माह 5,000 रुपए की पेंशन भी उनको दिए जाने का कार्य मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह जी की सरकार कर रही है। साथ ही इस परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं रोजगार की जो व्यवस्था है कैसे दुरुस्त हो, उसके लिए मनरेगा के अंतर्गत सभी कार्य किए जा रहे हैं। दूरी का ध्यान में रखते हुए, हमारा प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि अगर किसी गांव में 5 से ज्यादा संक्रमित व्यक्ति हो जाते हैं तो वहां पर वो कार्य रोका जाएगा जब तक कि पूरी जांच न हो जाए, और 5 से कम अगर होते हैं तो फिर वो कार्य सुचारू रूप से किया जाने का काम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।